हाय दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे स्कैंडर शैडो ऑफ द रिवर सीजन वन की, जो कि एक फ्रेंच मिनी सीरीज है। इसमें आपको टोटल 4 एपिसोड देखने मिलते हैं, जिसके हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट 40 मिनट से लेके 44 मिनट्स के बीच में ये। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में देखने को मिल जाती है। और अगर आपको इसको हिंदी में देखना है तो कुछ नहीं करना है, MX प्लेयर बीटा डाउनलोड करना है, जो कि आज की तारीख में सबके पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है। तो वहाँ पर जाइए, इस सीरीज़ को फ्री में चेकआउट कीजिए। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि उसके बाद एटलीस्ट आपको इतना समझ में आ जाएगा कि आपको आपकी लाइफ के कुछ आर्स देने भी है या नहीं। तो अब ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। यानी शो की कहानी शुरू होती है क्लोई से, जो कि कॉप है। इसको ट्रांसफ़र किया जाता है सेन, जो कि कैपिटल सिटी है फ्रेंच गुआना की। यहाँ पर क्लोई को एक नया पार्टनर देता है जिसका नाम है जोसेफ डेलो, जो कि एक लोकल पुलिस वाला है। अब उसको यहाँ की टेरिटरी के जितने भी कल्चर्स और ट्रेडिशन, ये सब कुछ बहुत ही अच्छी तरह से पता है। खैर, अब कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक कपल की लाश मिलती है एक बोट पे, लेकिन काफ़ी मिस्टीरियस हालतों से, यानी कि ऐसी हालत में मिलती है जो कि आप लोग इस शो में देखोगे तो पूरी तरह से हिल जाओगे। लेकिन इन कपल का एक बच्चा भी है जो कि मिसिंग है। फिर उसके बाद अब कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए तब आपको ये शो ही देखना पड़ेगा। खैर, बात करें शो के कॉन्सेप्ट की, जो कि मुझे अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ आपको क्राइम प्लस हॉरर, ये दोनों का एक परफेक्ट मिक्स देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है जो थोड़ी बहुत आपको खटकती है, वो है इसका एग्जीक्यूशन। शो में सिर्फ 4 एपिसोड्स होने के बावजूद भी आपको ये शो स्लो महसूस होता है। चलो, फर्स्ट एपिसोड में तो हमको समझ में आता है कि चीज़ें थोड़ी थोड़ी स्लोली आगे बढ़ रही है, और हमें इस शो में थोड़ा सा वक्त लगता है पूरी तरह से सेटल होने में, पूरी तरह से चीज़ें समझने में। तो फर्स्ट एपिसोड हम लोग फिर भी एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो बाकी के 3 एपिसोड है वो अभी मुझे थोड़े स्लो लगे। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी अच्छा है, और एटलीस्ट ये शो इतना एंगेजिंग तो है कि आप पूरी तरह से स्टार्ट से लेकर एंड तक ये सोचते रहते हो कि भाई आखिर इन सारी चीज़ों के पीछे है क्या, और आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हो अंदर से कि भाई क्लाइमेक्स में आखिर होगा क्या। और बस यही एक वजह है कि स्लो होने के बावजूद भी आप इस शो को एटलीस्ट कंप्लीट तो ज़रूर करोगे। उसके बाद शो में अगर कैरेक्टर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर 2 ही मेन कैरेक्टर है, उनको इतना तो अच्छी तरह से शो में लिखा है कि आप लोगों को समझ में आता है कि हाँ, उनके पास्ट में ये सारी चीज़ें हुई थी और वो किस तरीके से अपने पास्ट में हुई चीज़ों से भाग रहे हैं, और प्लस प्रेजेंट में उनकी लाइफ में क्या कुछ सिचुएशन चल रही थी। तो कहीं ना कहीं आप इजीली उन कैरेक्टर से कनेक्शन भी बना लोगे। उसके अलावा शो की सिनेमेटोग्राफी की बात करेंगे तो यहाँ पर एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, वो है लोकेशंस। जिस जंगल में ये पूरे शो को शूट किया है ना यार, बहुत ही गजब का यार, मतलब खूबसूरत भी है लेकिन साथ साथ स्कैरी भी है। और जिस तरीके से आर्ट डायरेक्शन किया है, जो जो चीज़ें उन लोगों ने जंगल में बताई है, बनाई है यार, वो लिटरली घूस बम चलाती है। और मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यार मुझे ये सारी चीज़ें इस शो में देखने को मिलेगी, इसलिए सिनेमेटोग्राफी तो मैं बोलूँगा टॉप क्लास की है। तरीके से उन्होंने हर एक सीन को शूट किया है, चाहे वो ड्रोन शॉट हो, चाहे वो कैमरा एंगल हो, मानना पड़ेगा बॉस ये एक चीज़ थी जो मुझे इस पूरे शो में स्टिक करके रखी थी। उसके अलावा शो का BGM बहुत अच्छा है, जिस तरीके से एक क्राइम प्लस हॉरर शो में होना चाहिए BGM, बिल्कुल वैसा ही BGM है। और जो एक अफ्रीकन टच डाला ना BGM में यार, वो तो सुनकर मतलब एक रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और क्लाइमेक्स में सीन है ना, उस टाइम पे तो मतलब लिटरली एज ऑफ द सीट बोलेंगे। उसके अलावा एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो यार दोनों ही लीड एक्टर्स ने अपने हिस्से के रोल को बहुत ही अच्छी तरह से किया, लेकिन एडम भाई इस बंदे ने फाड़ दिया भाई, जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया और स्पेशली क्लाइमेक्स में जो उनके फेशियल एक्सप्रेशन, मानना पड़ेगा। खैर, हिंदी डबिंग की बात करेंगे तो यार ठीक ठाक है, ज़्यादा कुछ खास तो डबिंग है नहीं, मुझे तो अच्छी लगी। लेकिन वो बस एक चीज़ मुझे बहुत हंसी आ रही थी, ओम क्लीम ग्लीम ग्लीम चामुंडा आया विजय, वो कितनी पिक्चरों में यूज़ करोगे यार, मतलब वही जब भी कोई मंत्र पढ़ने का सीन है तो बस ओम क्लीम ग्लीम चीम चामुंडा आया, मतलब क्या ये तो हमने शायद संघर्ष पिक्चर में भी देखे थे ना, वो अक्षय कुमार और आशुतोष राणा की, अगर आपको याद होगा तो शायद यही था ना, ओम क्लीम क्लीम चीम चामुंडा आया विजय, ऐसे कुछ था। शो की बस एक ही नेगेटिविटी लगी, वो इसका एग्जीक्यूशन, जो कि मुझे हल्का स्लो लगा, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। शो आप डेफिनेटली एक बार तो देख सकते हो, ये ऐसा नहीं कि मस्ट वॉच है, लेकिन अगर आपके पास देखने के लिए कुछ है नहीं तो ये शो डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो ये शो अपने फैमिली के साथ नहीं देखना, क्योंकि यहाँ पर कुछ एडल्ट सीन है, यानी कि किसिंग के सीन है, और ऐसा एक सीन है जो मैं यहाँ पर रिवील नहीं करूँगा, और इसको मैं रेटिंग दूंगा 7 out of 10। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही, ये आपको MX प्लेयर बीटा पे देखने को मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, नहीं अच्छा लगा तो कर दो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।